खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। खास खबर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपके अंदर की जमीर को जगा देंगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, जो आपको झकझोर कर रख देंगी। आप खुद से सवाल पूछेंगे कि आखिर मेरे सूबे में ये क्या हो रहा है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और वो ये बता रही हैं कि एक के बाद एक तमाम परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सूबे के हालात क्या हैं और ये तमाम चीजें ये दिखाने के लिए काफी हैं कि संवेदनाएं हमारी मरती जा रही हैं, मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए नहीं जा रही हैं। तमाशबीन हम बने रहते हैं और किसी बेबस को देखकर हमारे अंदर आखिर दुख क्यों नहीं होता। हम उसकी तकलीफ को महसूस करने में अक्सर नाकामयाब क्यों साबित हो जाते हैं। हम ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि अगर हम ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो आखिर इंसानियत का क्या फायदा। मदद करने की बजाय हम आंखें चुराकर वहां से निकल जाते हैं। और प्रदेश में जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जो हमें ये सिखाती है कि दूसरों की मदद हमें करनी चाहिए, एक इंसान को दूसरे इंसान से हमारी इंसानियत जोड़ती है, लेकिन आज वो तमाम चीजें खोखली नजर आती हैं क्योंकि वो इंसानियत ही शायद कहीं मर चुकी है, वो इंसानियत ही दफन हो चुकी है जो हमें किसी और की मदद करने के लिए आगे लेकर जाती है, जो हमें किसी और की जिंदगी में एक मसीहा बनाती है। लेकिन आज ये तमाम चीजें खोखली दिखाई दे रही हैं क्योंकि समाज में ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं जिससे ये साफ हो गया है कि अब इंसानियत ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं, ये चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से यहाँ पिटाई की गई और बेरहमी की ये पूरी दास्तां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आप देखिए किस तरीके से यहां पर पिटाई लगातार की जा रही है। एक बुजुर्ग दंपत्ति को मारा गया, उन्हें पीटा गया, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा, मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। और ये तस्वीरें शर्मनाक हैं, ये दिखाती हैं कि हम आज संवेदनहीन हो गए हैं। बेशक बड़ी बड़ी बातें आज भी हम करें लेकिन तमाम वो बातें खोखली हैं। संस्कार क्यों स्वाहा हो रहे हैं, बड़े संस्कारों की बात करते हैं हम, संस्कृति की बात करते हैं हम, लेकिन आज वो तमाम संस्कार, हमारी संस्कृति शायद धरी की धरी रह गई है क्योंकि शायद हमारे संस्कारों में हमें ये सिखाया नहीं जाता कि बुजुर्गों के साथ पिटाई की जाए। और आप भी हमारे साथ जुड़िए, बताइए हमें कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, ये संस्कार लगातार स्वाहा क्यों होते जा रहे हैं, क्यों हम मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हरियाणा का जमीर क्या मर गया है, क्या ये सब कुछ देखने के बाद भी आपके दिल में आपको तकलीफ महसूस नहीं होती, आप किसी के दर्द को समझ नहीं पाते। आप भी जुड़िए और बताइए हमें कि आखिर क्यों जिंदगी खत्म हो जाती है और हम मूक दर्शक बने देखते रहते हैं, हम ये देखते रहते हैं कि आखिर ये तमाशा क्या चल रहा है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन्स पर और ये तीनों ही तस्वीरें शर्मसार करती हैं, हमारे सर को झुकाती हैं। हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों ने जो हमें सिखाया है उसके बिल्कुल विपरीत ये तस्वीरें हैं। और दर्शकों से अपील कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए हमें कि आखिर हमारे संस्कारों को ये क्या हो गया है। गुरनाम सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर, गुरनाम जी नमस्कार आपका, बताइए। हेलो जी, बताइए। दीपक जी बोल रहा हूँ, दीपक जी। जी दीपक बताइए। जिस तरह से दीपक बोल रहा हूँ मैडम जी, ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर इंसान ने नाम की तो कोई चीज रह चुकी नहीं है, पहली बात तो यही है। और कोई किसी की पिटाई कर रहा है, ये सोचता कि ये मेरा थोड़ी अपना,
ये लोग सब यही सोचते हैं कि मेरा नहीं है तो कल को बिल्कुल चलिए। बहुत शुक्रिया दीपक आपका। तो शायद ये ही मानसिकता हो गई है कि अगर मैं इसमें मेरे से रिलेटेड ये चीज नहीं हो रही तो मैं इसकी फिक्र आखिर क्यों करूं। आप भी जुड़िए और बताइए कि क्या कुछ आपकी इस पर राय है। गुरनाम हमारे साथ फोन लाइन पर है। गुरनाम जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैम जी। मैम ये जो वीडियो दिखा रहे हो ना आप, हेलो बताइए। गुरनाम जी मैं सुन रही हूँ आपको। अच्छा सुन रहे हो मैम, ये जो वीडियो आप दिखा रहे हो इससे ये इसे इन लोगों को सीख लेनी चाहिए जो वहाँ मौके पर थे और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और चलिए बेहद शुक्रिया। बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। जो सरेआम बुजुर्गों की पिटाई कर रहे हैं शायद उनको भी ये समझना चाहिए। अमृतसर से हमारे साथ फोन लाइन पर मनदीप कौर हैं। मनदीप जी नमस्कार, बताइए। मनदीप जी आवाज मिल रही है? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है लेकिन आप भी जुड़िए हमारे साथ और बताइए कि आखिर ये संस्कार हमारे कहाँ चले गए हैं। क्या ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है? क्या यही हमारे बड़ों ने संस्कार हमें दिए थे? क्योंकि हम आज इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि हमारी आंखों के सामने किसी की अस्मिता को लूट लिया जाता है, किसी की बेरहमी से पिटाई की जाती है, कोई सड़क पर दर्द से कर रहा होता है लेकिन बावजूद इसके कि हम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ें, हम चुपचाप ये पूरा का पूरा तमाशा देखते रहते हैं, मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ा पाते, जो कि शर्मनाक है, जो ये दिखाता है कि आज हम कितने खोखले हो गए हैं, इंसानियत हमारे अंदर नहीं है। एक दर्शक फोन लाइन पर, नमस्कार जी बताइए। हेलो जी श्रीवास्तव साहब बताइए। हाँ ये देख के बहुत ही शर्म महसूस हो रही है कि हम आज इस तरह के जमाने में रह रहे हैं। हाँ। ये कैसा लड़का है जो अपने माता पिता के उम्र के व्यक्ति को थप्पड़ मार रहा है और सर से मार रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं आज मानसिकता में बदलाव चाहिए, सोच में बदलाव चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें पूरे प्रदेश में ऐसी ही दिखाई देती है। तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया, गुड़गांव में एक ऐसा मामला सामने आया, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये सब कब थमेगा? क्या हम वाकई में किसी और के दर्द को समझ पाते हैं? क्या किसी और की तकलीफ को हम खुद की तकलीफ समझते हैं? क्योंकि इंसानियत शायद ये नहीं सिखाती है, ये नहीं सिखाया जाता हमें हमारे संस्कारों के जरिए कि आप किसी और को तकलीफ में देखते हुए वहां से भाग जाए। चुन्नी सिंह फोन लाइन पर है। चुन्नी जी नमस्कार, बताइए। आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी बताइए। हाँ जी बोलिए। मैडम मैं ये कह रहा हूँ जी, ये जो वीडियो दिखा रहे हैं हाँ। तो इसके जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये वाणी मोटी दया नहीं आती हो तो छुड़ाने वगैरह। चलिए बेहद शुक्रिया। तो जो ये दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी अब कम से कम ये उन्हें करना चाहिए कि बच्चों को अच्छे संस्कार वो दें, और कम से कम अगर उनकी आंखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो आवाज उठाइए। आप खुद इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, आप कम से कम पुलिस को इत्तला कीजिए। और अगर एक व्यक्ति दो तीन लोगों को मिलकर उनकी पिटाई कर रहा है तो मुझे लगता है कि शायद जो दूसरे लोग वहां पर मौजूद हैं उन सबको आगे आना चाहिए, उन सबको मदद करनी चाहिए ताकि इस तरह की जो वारदातें हमारे प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही हैं उन पे लगाम कसी जा सके। एक बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई एक युवा लड़का कर रहा है, सरेआम वो पिटाई कर रहा है, उन्हें इस कदर पीट रहा है कि वो परेशान है लेकिन बावजूद मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, आखिर क्यों? जुड़िए और बताइए। हरप्रीत फोन लाइन पर। हरप्रीत जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी मैडम जी, आज ऊपर भी जिदा कोर बंदे खड़े है देख रहे तमाशा देख रहे हैं। हाँ। इन्हां नु चाहिदा सीगा कि कुछ ना कुछ कर ले। हाँ। बंदे का कुछ ना कुछ कर दे, इन्हां ने कुछ नहीं किया है बंदे का। चले बहुत शुक्रिया। तो तमाशबीन हम क्यों बन रहे हैं? तमाशबीन जो लोग बनते हैं ये सब चीजों को देखने के बाद उनको बदलाव लाना होगा, उनको तमाशबीन नहीं बने रहना है, अपनी आवाज को उठाना होगा, आगे आना होगा और इस तरह की वारदातों को बढ़ने से रोकना होगा। और लगातार हम देख रहे हैं हरियाणा में ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्यों? आखिर क्यों हम किसी की तकलीफ को किसी के दर्द को समझ नहीं पा रहे? तमाम सवाल इस बीच उठ रहे हैं। मदद के लिए आगे हम क्यों नहीं बढ़ते हैं? मदद के लिए अपने हाथ को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? सोनू हमारे साथ फोन लाइन पर। सोनू जी नमस्कार, बताइए। सोनू आवाज मिल रहे हैं जी, बताइए। सोनू आवाज मिल रही है आपको? चलिए संपर्क शायद सोनू से नहीं बन पा रहा लेकिन आपसे अपील करना चाहेंगे कि जुड़िए हमारे साथ। ये कार्यक्रम
कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं को चीर देने वाली जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके खिलाफ आज आपको हमें बताना है कि आखिर ये क्यों चल रहा है, आखिर क्या वाकई में हम संवेदनहीन होते जा रहे हैं। हम संस्कारों की बात करते हैं, क्या यही हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं? अनूप हमारे साथ है। अनूप जी नमस्कार, बताइए। अनूप जी आवाज मिल रही है? हाँ जी बताइए। सर ये बहुत गलत है, ये जो बुजुर्ग दंपति को पीट रहा है ये बहुत ही नकारा लड़का है कोई। चलिए बहुत शुक्रिया अनूप आपका। तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन आखिर इस गलत व्यवस्था के खिलाफ हम आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं वो आखिर आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या उनकी तरफ से कोई पहल नहीं करनी चाहिए थी? आप खुद इसमें नहीं फंसना साथ चाहते, आप कम से कम पुलिस को कॉल कीजिए। आप वो भी नहीं कर सकते तो वहां पे इतने लोग तो मौजूद होंगे कि अगर आप सब मिलकर उस युवक को रोकते तब शायद ये सब कुछ नहीं होता। देवेंद्र हमारे साथ हैं गुड़गांव से। देवेंद्र जी नमस्कार, बताइए। देवेंद्र जी टीवी की वॉल्यूम पहले बंद कीजिए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैडम इसमें आप क्या करते? अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते? चलिए शुक्रिया, सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं लेकिन आपको ये सवाल शायद खुद से पूछना चाहिए कि आप आखिर क्यों आगे नहीं बढ़ रहे। गुरप्रीत फोन लाइन पर है। गुरप्रीत जी बताइए। गुरप्रीत जी आवाज मिल रही है? चलिए संपर्क नहीं बन पा रहा। दीपक हमारे साथ है। दीपक जी नमस्कार, बताइए। मैडम जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोग तो हेलो। हाँ जी बताइए। मैडम जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, लोग सोचते हैं कि हमने क्या ले देना, ये हमारा कुछ लगता नहीं या ये मारता रहे इनको कोई मतलब नहीं। कल को ये सोचे ना कि इनके साथ भी तो ऐसी घटना हो सकती है जी। बिल्कुल, तो ये है कि सबसे बात तो ये है कि खून लोगों के अंदर जो कदर क्यों की जाती है, दूसरे रिश्तों को कुछ समझा क्यों नहीं जाता है। भिवानी से हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे है। अमित जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी, बताइए जी। इनकी के है कि इनकी कार्रवाई होनी थी, जो बंदा इसको पिटाई कर रहा है तो इसकी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। चलिए आपका तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसा दर्शक बता रहे। सुनील जुड़ गए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं उनसे जानते हैं। बताइए सुनील जी। सुनील जी आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो बताइए। क्या जी? चलिए संपर्क नहीं बन पा रहा है। मंजीत कौर हमारे साथ अगले दर्शक अमृतसर से हैं। मंजीत जी बताइए। हाँ जी मैम, मैं बताना चाहती हूँ कि ह्यूमन राइट्स डे कल निकल कर गया है जो हम इंटरनेशनल लेवल मनाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारे पंजाब में ये होगा तो क्या कहेगी सरकार इस पे, अगर लोग कुछ भी एक्शन नहीं उठाएंगी तो। चलिए बहुत शुक्रिया। तो आखिर सरकारों की आप बाद में बात कीजिए, लेकिन पहले आप खुद की मानसिकता खुद की सोच को तो बदलिए। सुभाष फोन लाइन पर है। सुभाष जी नमस्कार, बताइए। मैडम नमस्कार। नमस्कार। देखिए बात ऐसी है जी कि लोगों का विचारधारा बड़ी गंदी हो गई है। क्यों? ये लड़का जो पिटाई कर रहा है आप दिखा रहे हैं बुजुर्गों की, तो ये अगर पकड़ा जाता है तो इसको अगर सजा नहीं मिली। बिल्कुल, चलो तो ये इसको पकड़ना है और इसको कड़ी सजा यहाँ पे देनी होगी, तभी एक मैसेज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा पाएगा। सुखदेव सिंह फोन लाइन पर है पंजाब से, बताइए सुखदेव जी। सुखदेव जी आवाज मिल रही है? आप सुन रहे हैं मुझे सुखदेव जी? चलो संपर्क नहीं बन पा रहा है हमारा रेगुलर कॉलर गोल्डी फोन लाइन पर। गोल्डी जी नमस्कार, बताइए। मैम नमस्कार जी। देखिए जो इंसानियत हमारी मरती जा रही है और लोग वहाँ पे तमाशगिरी बन के तमाशा देख रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा अगर माँ आपके माँ बाप के साथ कोई ऐसा करे तभी आप ऐसे तमाशा देखते रहोगे, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए तभी समाज में कोई अच्छा मैसेज आएगा। चलिए चलिए बेहद शुक्रिया आपका गोल्डी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इलियास फोन लाइन पर है। इलियास जी नमस्कार, बताइए। इलियास जी आवाज मिल रही है? सुनिए मैडम नमस्कार जी। नमस्कार बताइए। मिला हम वहाँ होते तो हम इसको जो जवाब देते, ईट का जवाब पत्थर से देते इसके लिए। चलिए बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, बताइए सुरेश जी। ये गलत जो भी कर रहे हैं लड़के आज कर के। चले बेहद शुक्रिया। तो ये बिल्कुल गलत है, इंसानियत क्यों मरती जा रही है, क्यों हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं। टाडा फोन लाइन पर है, बताइए टाडा जी क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार मैम जी। जी
हेलो जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि इन जो लोग पिटाई कर रहे हैं इनको जनता को सौंप देना चाहिए। चलिए बेहद शुक्रिया आपका। तो ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कुंडली से रवि फोन लाइन पर है। रवि जी बताइए। जी इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए बेहद शुक्रिया। तो कड़ी से कड़ी सजा जरूर ऐसे लड़कों को मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं, जो ये दिखा रहा है कि इंसानियत इनमें तो मर चुकी है, लेकिन आपको जरूरत भी इस बात की होनी चाहिए कि अपनी इंसानियत को मरने ना दे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी आपकी राय इसी मुद्दे पर लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। XL हम सबका प्यारा, XL का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। मर गई संवेदनाएं, कुछ ऐसा ही लग रहा है प्रदेश में तमाम वारदातों को देखकर, क्योंकि संवेदनाएं मरती जा रही हैं, संवेदनहीन हम होते जा रही हैं, इंसानियत खत्म होती जा रही है। कहीं बुजुर्गों की दिनदहाड़े पिटाई होती है तो कहीं किसी व्यक्ति की चोट को देखने के बाद, उसके दर्द को देखने के बाद भी हम मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। खरड़ से सुखदेव हमारे साथ फोन लाइन पर है, बताइए क्या कहना चाहते हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी आवाज मिल रही है? बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि ये मामला क्या है, हमें मामले का तो पता नहीं चला अभी तक, क्यों इसको जरूरत पड़ी इतनी मारने की। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। सुरेश फोन लाइन पर हमारे साथ है, सुरेश जी बताइए। जी सुरेश जी। हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ जी, तस्वीर जो देख रहा हूँ इसके विषय में। हाँ जी बताइए, बात पूरी कीजिए सुरेश जी। हाँ जी, बात ऐसी है जी कि ये एक बहुत घटिया काम है और चलिए बेहद शुक्रिया। तो ये काम गलत है, ये घटिया काम है, घिनौना काम है। मुंशी नाम फोन लाइन पर, मुंशी नाम जी बताइए। ऐसा होता है ना, जैसे एक अपने दो बेटे होते हैं, वो सारी संपत्ति छोड़ता है। जब बुजुर्ग माता पिता दिक्कत में आते हैं तो बड़े वाला को शर्म आती है, मेरे माता पिता फिर तो गलती, कुछ न कुछ तो रीजन होगा ना पीछे, रीजन भी। चलिए बहुत शुक्रिया। ऐसा लेकिन कोई कारण नहीं होना चाहिए जो इतना बेबस आपको कर दे, इतना मजबूर आपको कर दे कि आप बुजुर्गों की दिन दहाड़े पिटाई कीजिए। क्या ये आपको आपके संस्कार दिखा रहे हैं? इंसानियत की बात यहाँ पे हो रही है और क्या वाकई में इंसानियत मर गई है, सवाल ये पूछ रहे हैं। और शायद कुछ दर्शकों की बातों से ये भी दिख रहा है कि वाकई में इंसानियत मरती जा रही है। बठिंडा से फोन लाइन पर एक दर्शक हमारे साथ है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सुन रहे हैं आप मुझे जिंदर जी, आवाज मिल रही है आपको?
चले आवाज नहीं बन पा रही, दर्शकों से अपील कि जब भी हमारे साथ जुड़े टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर दीजिए, उसके बाद आप बताइए कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है। निर्भय सिंह फोन लाइन पर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैम जिसके साथ भी जैसे शुरू कर रहे हैं ना बुजुर्ग के साथ, उसको तो ना शायद होनी चाहिए इसमें से। हाँ चलिए भैया, शुक्रिया आपका निर्भय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, माँ बाप की परवरिश का क्या ये सलाह हम दे रहे हैं, हरियाणा में लोगों के भीतर भावनाएं क्यों खत्म हो रही हैं, तमाम वारदातें हो रही हैं, उन वारदातों से यही लग रहा है कि भावनाएं हमारी खत्म हो गई हैं, संवेदनाएं हमारी खत्म हो गई हैं। रोहतक से हमारे साथ एक दर्शक है फोन लाइन पर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। आवाज मिल रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? संपर्क नहीं बन पा रहा है। ऐसे अगर आप हमें फोन करेंगे तो आपकी आवाज हम नहीं सुन पाएंगे। लगातार आपसे अपील कि जब भी फोन कीजिए अपने टीवी की वॉल्यूम को बंद कर दीजिए। इंसानियत क्यों कहीं दिखाई नहीं दे रही है? अगर आप वाकई में बाहर जाएंगे ढूंढेंगे कि आखिर इंसानियत क्या वाकई में कहीं है, खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। तो शाम से एक दर्शक फोन लाइन पर है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। आज ही मेरे को इसका पता मिल जाए ना तो मैं वहां जाकर पीटूं इसको। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मोहम्मद शादिर फोन लाइन पर है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए शादिर जी, सुन रहे हैं तो बताइए क्या कहना चाहते हैं। चलिए आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। आखिर इंसानियत क्यों पल पल मरती जा रही है? श्याम सिंह फोन लाइन पर है, बताइए श्याम जी, आप सुन रहे हैं मुझे? आवाज मिल रही है श्याम जी आपको? हाँ मिल रही है, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो लड़का अपने माँ बाप को मार रहा है जी, बहुत घटिया काम कर रहा है, तो ऐसे आदमी को तो नरक की जिंदगी मिलनी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आखिर क्यों ये हो रहा है? मणिपुर से हमारे साथ गोपेश्वर फोन लाइन पर है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी, ये हमारा राज जी सकता है क्या? ये अभी टीवी में जो देखा रहा है पिताई का जी, इसमें हम भी राज जी सकता है क्या? बताइए क्या कहना चाहते हैं। हम एक आदमी को रोकने से नहीं होगा। हाँ। तो उसके आपका वहाँ जहाँ स्टेट है उसका होम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर और ये सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, वो तीनों के कान में ये मामला उठाइए। बिल्कुल, ताकि ये सिर्फ हो अकेला नहीं, सबको ये मामला उठा के ये सब हमेशा के लिए बंद कर सके। शुक्रिया आपका गोपेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंत्रियों को ये बताना होगा, शिक्षा मंत्री की बात करें यहाँ पे, कि उनको बताना होगा कि आखिर ये सब जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन्नी सिंह है अगले दर्शक फोन लाइन पर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ मैडम, ये जो आज ये अपने माँ बाप को पीट रहा है और कल इसके जो बच्चे होंगे वो इसको पीटेंगे। चलिए बेहद शुक्रिया। आज ये पिटाई एक बुजुर्ग दंपत्ति की कर रहा है, लेकिन कल इसके बच्चे भले ही इसको पीटे, लेकिन क्या हम आगे नहीं आएंगे उनको बचाने के लिए? हमारे साथ निर्मल सिंह फोन लाइन पर है, बताइए निर्मल जी। हेलो जी, बताइए। मैडम जो जैसे वो फाइट कर रहे हैं अपने जो बुजुर्ग के साथ कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा गलती तो उसकी है ना, जो सामने बैठकर देख रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई था नहीं, वहाँ पे बहुत से लोग थे, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, और मदद के लिए आगे हाथ क्यों नहीं बढ़ाए गए, सवाल यही है। नारायणगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर एक दर्शक है, नमस्कार जी, बताइए। हेलो जी, हिमानी बताइए। हाँ जी, ये जो पर्सन ने ये जो काम किया है बुजुर्गों को मारने का, सबसे पहले जो वहाँ पे लोग उनको देख रहे थे उनको एक्शन लेना चाहिए था, वो पुलिस को कॉल करते। अगर उन लोगों को खुद नहीं रोकना था तो एटलीस्ट वो उन बुजुर्गों को अपने पास थे तो उन रोक सकते थे, या फिर उनको ऐसा करना चाहिए था जो इनके पेरेंट्स हैं इस पर। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अम्बाला से हनी फोन लाइन पर है, हनी जी बताइए। हेलो जी, बताइए।
चलिए संपर्क हानी से हमारा टूट गया है, संजय हिसार से हैं। संजय जी नमस्कार, बताइए। सर ये जी बहुत ही गंदा इंसान है, बुजुर्ग महिला को कह रहा सर, मैं वहां पर होता तो मैं इसको गोली से शूट कर देता जी। चलिए बेहद शुक्रिया, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, शायद संस्कारों में बदलाव कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सब कुछ हो पाएगा। इंसानियत इससे और भी ज्यादा बढ़ेगी और इससे इंसानियत जो मरती जा रही है उसमें दूरियां और भी ज्यादा बढ़ेंगी। हमें उन दूरियों को मिटाना है, उन फासलों को कम करना है और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना है। सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। सतीश जी बताइए। हाँ जी जी बताइए। ये दो औलाद अपने माँ बाप को मारती है नी, टीवी देखने लगे हुए थप्पड़ मारा है, इनका गोली लगेगी, इनकी औलाद गोली से मारेंगे इनको। चलिए बेहद शुक्रिया आपका सतीश जी। तो आगे आने वाला वक्त और भी ज्यादा बदतर होगा ये भी बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिर कैसे हम इसको रोकेंगे। भिवानी से सुरेश है फोन लाइन पर। सुरेश जी बताइए। हाँ जी, मैं ऐसा कहता हूँ जी कि ऐसे लड़के जो है इस लड़के का कसूर नहीं है। हाँ। ये हमारा अंत नजदीक आ चुका है। चलिए बेहद शुक्रिया आपका सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिर ये तस्वीरें जो सामने हैं वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इंसानियत मर चुकी है और उस मरती हुई इंसानियत को आज जगाने की जरूरत है, उस मरती हुई इंसानियत को आज फिर से ये बताने की जरूरत है कि नहीं हम एक हैं। और ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब किसी और के दर्द को देख कर, किसी और की तकलीफ को देख कर हम आगे ना आए और हम मदद ना करें। आपसे एक छोटी सी अपील बस इतनी ही है कि जब भी आप अपने आसपास कुछ ऐसे दांतों को घटते हुए देखें तो कृपया रुकें, आवाज उठाएं और मदद के लिए आगे जरूर बढ़ें। इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।